इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक फंक्शन में पैक्ड आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। पैक्ड आर्ग्यूमेंट मतलब कि आपको अलग अलग पैरामीटर पास नहीं करना पड़ेगा, एक ही साथ एक सीक्वेंस को पास कर दीजिए आप और आपका काम हो जाएगा। तो वही इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए क्या होता है। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक फंक्शन है जो कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या चाहिए? PRT मतलब प्रिंसिपल रेट और टाइम चाहिए होता है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P*R*T/100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है जिसमें कि प्रिंसिपल है मान लीजिए 1000 रुपया है और रेट है मान लीजिए 10% और टाइम है मान लीजिए 2 साल। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और आपके पास एक अरे है या सीक्वेंस है, उसमें दिया हुआ है फर्स्ट पैरामीटर है प्रिंसिपल, सेकंड पैरामीटर है रेट और थर्ड पैरामीटर है टाइम, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग एलिमेंट। अब देखिए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। मान लीजिए SI कर दीजिए और D0 जो है वो प्रिंसिपल हो गया, D1 हो गया रेट और D2 हो गया टाइम, तो आपका ये प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब इसको हम लोग रन कर लेते हैं, इसको रन करके देखिए क्या आता है। देखिए 200 आ गया क्योंकि 1000 रुपया को 2 साल के लिए 10% से किए तो 200 आ गया, है ना। 1000 × 10 हो गया 10,000 और 2 हो गया 20,000 डिवाइडेड बाई 100 तो 200 आ गया। ओके, अब देखिए क्या है। ये तो बेसिक एग्जांपल हो गया। पैक्ड आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ देखना चाह रहे हैं। पैक्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि हम लोग इसको सिर्फ ऐसे डी पास करना है, तो इसको *D लिखते हैं। ओके, *D का मतलब जैसे डी सीक्वेंस है, तो *D का मतलब क्या हुआ कि ये डी जो सीक्वेंस है वो एक तरह से खुल जाएगा। खुल जाएगा मतलब पहला वाला 1000 चला जाएगा, सेकंड वाला में 10 चला जाएगा और थर्ड वाला में 2 चला जाएगा। यही इसका सिंटैक्स है, एकदम ईजी है। लेकिन अगर ये पता नहीं होगा तो आप अगर कोड पढ़ रहे हैं तो मुश्किल हो सकता है। इसका और भी यूज़ है, वे देखेंगे। देखिए पहले इसको रन कर लेते हैं, देखिए सेम आंसर आना चाहिए। ओके, तो उसको रन करिए, रन कर दिए, देखिए फिर से 200 आ गया। ओके, सेम आंसर है। अब इसका फ़ायदा तो आप देख ही रहे हैं कि अलग अलग पैरामीटर आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी कंसाइज हो गया। और अब खास करके मान लीजिए कोई डेटा स्ट्रीम हो के आ रहा है आप सीक्वेंस में, आपको जल्दी जल्दी उसको प्रोसेस करना है, तो आपको अगर फॉर्मेट पहले से पता है कि पहला वाला P है, दूसरा वाला R/T, कोई भी फॉर्मेट आपके एप्लीकेशन के हिसाब से, तो आप उसको डायरेक्ट पास कर सकते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अभी आमतौर पर रियल वर्ल्ड में ऐसा तो होता नहीं है कि जिस तरह से आपका फंक्शन है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन है, उसी ऑर्डर में आपको डेटा भी आए, ऐसा तो बहुत चांस कम है। ऐसा भी हो सकता है कि रेट पहले आ रहा है, P बाद में आ रहा है ना, तो उसमें पास करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे इस एग्जांपल में तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस एग्जांपल में क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो तो कोई भी पहले पास हो या बाद में हो, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन तो एसोसिएटिव होता है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अमाउंट कैलकुलेट करना है, अमाउंट मतलब रेट प्लस से इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, कि जित टोटल अमाउंट क्या हुआ आपका, इंटरेस्ट जो आ गया और प्रिंसिपल जो आपका पहले से था। तो जैसे इसमें क्या होगा, 1000 रुपीज़ आपका है और 200 रुपया इंटरेस्ट हो गया, तो 1200 आना चाहिए। ऐसा जानबूझ के एग्जांपल रखें, क्योंकि अभी एसोसिएटिव ये ऑर्डर के हिसाब से नहीं रहा। अभी P बाद में पास कर दीजिएगा तो सारा आंसर उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना, P के बदले R पास कर दीजिएगा तो ये आंसर सही नहीं आने वाला। अब देखिए क्या है, इसको जैसे मान लीजिए अमाउंट कैलकुलेट करना है, एक बार रन कर लेते हैं इसको, 1200 आना चाहिए है कि नहीं। देखिए आगे 1200, एकदम सही है। अब देखिए क्या है, अभी सीक्वेंस मान लीजिए आपको आ रहा है, P आ रहा है बाद में, मान लीजिए पहले रेट आ रहा है और बाद में P आ रहा है, ऐसा है ना, मान लीजिए ऐसा है। अब क्या करेंगे, अब तो ऐसे पास करेंगे तो पूरा आंसर गड़बड़ा जाएगा है कि नहीं। तो क्या कर सकते हैं, आप ही कोई बोलेगा कि नहीं, अब तो पैक्ड आर्ग्यूमेंट तो बकवास है, उसका यूज़ नहीं रहा, है ना। ऐसा रियल वर्ल्ड में बहुत बार हो सकता है। ओके, इसके लिए क्या किया जाए, तो ये जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है कि आपका डेटा किसी फॉर्मेट में आ रहा है, आपका
बिजनेस लॉजिक जो है, जैसे ये जो अमाउंट है एक तरह का बिजनेस लॉजिक हो गया, और ये डी जो अरे है ये डेटा हो गया आपका कहीं और से आ रहा है, ये दोनों के बीच में तालमेल नहीं रहता, बहुत बार ऐसा होता है कि तालमेल नहीं रहता है। ओके, इसके लिए क्या किया जाए? तो तालमेल बैठाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि एक फंक्शन लिखेंगे उसके लिए अमाउंट एडेप्टर। अमाउंट एडेप्टर मतलब ये एक तरह का एडेप्टर है। एडेप्टर मतलब क्या हुआ कि आपका बिजनेस लॉजिक और आपका इनपुट डेटा के बीच का ये लिंक एडेप्ट करता है। एडेप्टर इसको किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि एडेप्ट कर रहा है दोनों के बीच को, में एक तरह से कोऑर्डिनेशन बैठा रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अमाउंट देखिए क्या आ रहा है, पहले आर आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर टी आ रहा है, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए डेटा का फॉर्मेट क्या है, पहले रेट है, फिर है प्रिंसिपल, फिर है टाइम। लेकिन अमाउंट क्या लेता है आपका, रिटर्न अमाउंट पी कॉमा आर कॉमा टी, हो गया एकदम सिंपल है। अब देखिए अडेप्टर को लिखने से क्या हो गया, अब आपका अडेप्टर को लिखने से अब आपका अमाउंट को जिस तरह से कॉल करना है रीऑर्डर कर दीजिए वहाँ पे। अब इंस्टेड ऑफ अमाउंट यहाँ पे आप अमाउंट अडेप्टर को कॉल कर लीजिए, हो गया, अब भी सेम आंसर आएगा। देखिए तो आपका जो स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा था और उसमें जो तालमेल नहीं था, तो उसको आप तालमेल बिठा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। पैक्ड आर्गुमेंट भी सीख लिए और अडेप्टर लिखना भी सीख गया इसमें, तो फिर से रन कीजिए, देखिए सेम आंसर आना चाहिए। ये देखिए रन कर दिए, 1200 आ गया, सेम आया। ओके, तो देखिए क्या, आप ये भी बोल सकते हैं कि एक पैरामीटर लिखने के चक्कर में इतना बड़ा फंक्शन लिखना पड़ा, तो उससे अच्छा तीनों अलग अलग ही नहीं पास कर देते, वो बात भी सही है आप पास, और डिपेंडिंग ऑन कि आपका एप्लीकेशन कैसा है और ज़रूरत के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों आइडिया बता दिए। पैक्ड आर्गुमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं पैसा होगा कि पैक्ड ही, अभी बिजनेस लॉजिक में ही ऐसा कि पैक्ड ही यूज़ करना है आपको, कंपनी में ऐसा है कि हाँ पैक्ड यूज़ करना ज़्यादा माना, अच्छा माना जाता है, आपका अडेप्टर लिखना पड़ सकता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए ये तरीका जानना ज़रूरी है। और ख़ास करके जब आप कोड किसी का पढ़ रहे हैं, उसने ऐसे लिख दिया तो आप क्या करेंगे, आपको तो समझना पड़ेगा, तो उस समय ये देख लीजिए छोटा सा लॉजिक है एकदम। स्टार जो भी सीक्वेंस है उसमें स्टार लगा दीजिए, ऐसा समझिए कि जैसे एक अरे सी अगर पढ़े हैं, सी लैंग्वेज, उसमें क्या है कि जैसे डी रेफरेंस कर रहे हैं तो स्टार डी लिख दिए, स्टार डी मतलब ये पूरा अरे खुल के पास हो रहा है, एक तरह से खुल गया यहाँ पे, इसी जगह पे तीनों अलग अलग खुल गया है। ओके, वही है अडेप्टर का लॉजिक, आप इसको ट्राई कीजिए, ये काफ़ी यूज़फुल रहता है प्रोग्राम में लिखना। और कोई क्वेश्चन है तो फिर कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।